सो गाइस अभी हम लोग हैं पटना के मरीन ड्राइव पे एंड हेलो एंड वेलकम बैक टू फूड जंक्शन। जिस जगह पे हम लोग आए हैं वो है श्री चाट कॉर्नर, जहाँ पे स्पेशल पापड़ी चाट और टिक्की चाट लगाई जाती है। तो चलिए इसकी पूरी मेकिंग देखेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे। सो गाइस फाइनली जो प्रोसेस है यहाँ पे टिक्की बनने का वो देख सकते हैं शुरू हो चुका है। ये सबसे पहले इसमें ये आलू डाला गया, आलू का चोखा का गोल गोल बना के कलर मिलेगा। अच्छा, काबली कलर बेसिकली फूड कलर डाला जाएगा है ना। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। पूरा वो जो कलर होता है वो इसमें आ गया। ये मटर का जो कलर होता है बिल्कुल इसी तरह का होता है, कुछ इसी में जाएगा ये कलर होगा। ठीक है, ये देखिएगा ये पूरा पूरा इसमें चला गया और ये रंगत ही बदल गई। मतलब पानी में जो मटर सीज रहा था का जो शेप होता है उस शेप में इसको लाया जा रहा है। ये देखिए थोड़ा सा पकने के बाद इसको दबाया जाता है। काट रहे हो या उसमें छेद कर रहे हो? अच्छा, काटा ही जा रहा था। ये काफ़ी तेज़ी से देख सकते हैं, बिल्कुल ही नायाब सा तरीका। सो गाइस देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे जो काबली है वो तैयार किया जा रहा है। और देख के क्या लगता है कितना देर और लगे काबली तैयार होने में? एकदम रेडी हो गया है। सो गाइस देख सकते हैं अब हम लोगों की चाट की जो मेकिंग है वो शुरू होने वाली है। इसलिए देखिए सबसे पहले इसमें आलू की टिक्की को तोड़ा जा रहा है। ये देखिए आलू की टिक्की को इसमें तोड़ा जा रहा है, एकदम गरम गरम से टिक्की, हाथ भी जल रहा है इनका बनाने में। और उसके बाद ये गया पापड़ी, इसमें डाला जाएगा अब काबली। ये देखिए अब हल्का सा नमक, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर। चलो ये इमली की चटनी, ये दही, इसके बाद जाएगा इमली की खट्टी चटनी, सॉरी मीठी चटनी, इमली की मीठी चटनी। इसके बाद जो प्याज काटा गया था एकदम खतरनाक से अंदाज में उसको डाला गया ऊपर से। फिर से डाली जाएगी पापड़ी, इसके बाद हल्का सा सेब और इसके ऊपर से चाट मसाला। ओहो, तो ये देख सकते हैं हमारी बेहतरीन सी चाट जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए फाइनली हम लोगों की जो बेहतरीन सी चाट है स्पेशल श्री चाट कॉर्नर की चाट वो हो चुकी है बन के तैयार। ये देखिए, तो चलिए इसको भी टेस्ट।